सुपर ओवर कमल खेली तो चेतन मैन ऑफ द मैच सम्मान करो चेतन रहे उनको मैन ऑफ द मैच से थोड़ी देर में सम्मानित किया जाएगा लेकिन ये मैच में तब तक हम चलेंगे लेके आपको और देखेंगे इस मुकाबले में कौन जीतता है आगे कौन बढ़ता है और एसके जॉगिंग्स इनके सामने कौन सी वो टीम होगी वो मुकाबला खेलने के लिए उत्सुक रहेगी तो चार ओवर का मुकाबला क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम है पिछला मुकाबला जो सुपर ओवर में हमने देखा और उसके बाद मुकाबला क्योंकि ये, ये प्रतियोगिता में हर एक टीम को मौके देना चाहते हैं और उसी वजह से जो सुपर ओवर हमने देखा था इसी वजह से थोड़ा सा समय चला गया और अब ये मुकाबला जो है चार ओवर का रहेगा बड़ा शॉट बल्ले से पहली गेंद थे आई एंड वन बाउंस टू बाउंस अंपार्क जी का इशारा या तब चौके का चार रन पहली किया है बॉलर पार। बॉलर पार। पे दत्तराज टीम की ओर से महत्वपूर्ण ओवर और शुरुआत उन्होंने की एक बढ़िया अंदाज से लेकिन स्ट्रोक उससे भी बढ़िया था उछाल प्राप्त हुआ था उस गेंद में उसके बाद की गेंद आड़े बल्ले की कोशिश थोड़ा सा घुटना टेक के तमाशा देख ऐसा स्ट्रोक लेकिन वहां पे खिलाड़ी तैनात दे उसको की दिशा में और बढ़िया फील्डिंग तब तक रनों की प्राप्ति हुई नहीं है तो जरूर आवश्यकता रहेगी पहले ओवर में कुछ रन बनाने की और वही सोच में बल्लेबाज आपको देखने को मिलेंगे बढ़िया गेंद यहाँ पे कैच का मौका कमाल का आज का कैच के दिन आगे की तरफ थोड़ा सा लगाते बढ़िया पकड़ा उन्होंने कैच लगभग पे लगने वाला था लेकिन उससे पहले उन्होंने कैच को अपने कब्जे में कर लिया और उसके साथ बल्लेबाज को चलता किया नए बैटर जो मैदान पे जाते हुए आपको दिखेंगे तो तक चलते हैं डीजे की ओर वर जो महत्वपूर्ण रहता है दो दिग्गज टीमें टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला जो लिया है उसको जरूर सही साबित करना चाहिए एक तरफ डेल्टा फोर्स एक तगड़ी टीम उनके सामने भी विपक्षी दल जो बहुत स्ट्रांग है और वैसे गेंदबाजी करनी पड़ेगी पहले ही दौड़ने के लिए रेडी थे बल्लेबाज और दो खिलाड़ी लेकिन बढ़िया कैच कॉल पे किसका था वो भी देखना जरूरी लेकिन ये कैच संपन्न हुआ है और उसके चलते कहेंगे अंत भला तो सब भला और एक खिलाड़ी बैक टू द पवेलियन और हैट्रिक का मौका अब गेंदबाज के पास रहेगा अभी तक इस टूर्नामेंट में विकेट की हैट्रिक हुई नहीं है लेकिन वो हैट्रिक करने का कारनामा इस गेंदबाज के पास रहेगा अभी तक हमने तीन गेंदों में तीन चौके तीन चौके देखे हैं चक्के भी देखे हैं लेकिन अब विकेट की हैट्रिक हाँ क्या यहाँ पे गेंदबाज के नाम होती है ये भी देखने वाली बात है दरख्वास जल्द से जल्द थोड़ा सा जाइए मैदान पे नहीं बल्लेबाज मंजू आपको देखने को मिलेंगे के लिए मौका हैट्रिक का रहे तो कर रहेगा तो नए बल्लेबाज से मंजू स्ट्राइक के ऊपर बढ़िया गेंद फ्लिक करने की कोशिश विकेटकीपर ने है बढ़िया अंदाज से गेंद को फील्ड किया पकड़ा और टीम मीटिंग कृपया ना करें आपसे दरख्वास्त है वक्त बहुत कम है और उसका थोड़ा सा सहयोग करें आप प्रतियोगिता के लिए क्योंकि इसके बाद जो आपका और एक इंपॉर्टेंट मुकाबला रहे तो हर एक मुकाबला इंपॉर्टेंट है खाली आप यही दरख्वास्त रहेगी कि आप वक्त जाया ना करें मैच कमाल का अभी तक का क्या जरूर छूटा हैट्रिक का मौका हद से फिसलता हुआ बढ़िया गेंद अच्छा शॉट ड्राइव करने की कोशिश कॉपी बुक स्टाइल में सिंगल कबूला उस सिंगल के मदद से और टोटल स्कोर में होगी बढ़ोती और स्कोर जो पहुंचा है अभी तक पांच रन पे तो दो विकेट पांच रन पहला ओवर जो रहा कमाल का गेंदबाजी के नाम उसके बाद के आने वाले तीन ओवर उसमें क्या होता है वो देखेंगे और थोड़ा सा आपसे दरखोस होगी कि गेंदबाज जल्दी चुने तब तक चलते हैं डीजे की ओर गेंदबाजी के लिए आ चुके सागर टीम की ओर से दूसरा ओवर रहेगा तो सागर की गेंदबाजी अब देखनी पड़ेगी किस तरह की होती है और उनका सामना खेलने के लिए मंजू जो नए बल्लेबाज आ चुके हैं नए बैटर के रूप में एक तगड़े बैटर इस टीम के जाने जाते हैं और मंजू को अब जिम्मेदारी लेनी है बड़ी स्ट्रोक खेलने हैं क्योंकि पहला ओवर जो था वो पूरी तरह से गेंदबाजों के नाम रहा मंजू के बल्ले से निकला हुआ आड़े बल्ले का ये स्ट्रोक है खिलाड़ी वहां पे तैनात है बढ़िया फील्डिंग की उसके बाद एक सटीक थ्रो विकेट कीपर तक पहुंचा और उसके बाद बैक टू द बॉलर गेंद जाती हुई टीम का जो स्कोर है वो धीरे से एक रन से बढ़ेगा छह रन अभी तक पहले ओवर में पांच रन मात्र दिए जो का ओवर, लेकिन उसके बावजूद उसकी दूसरे ओवर में शुरुआत जो है है। गेंदबाज ने सही अभी तक की है। बढ़िया बढ़िया उतनी विकेट कीपिंग आपने देखी है क्योंकि ऐसी फुर्ती बहुत जरूरी होती है कई बार ये फुर्ती अपने टीम के लिए बहुत मायने रखती है और ये बेस्ट फील्डिंग का नमूना विकेट कीपिंग का नमूना पेश किया विकेट कीपर ने पैरों के साथ बेहतरीन अंदाज से फील्ड किया गेंद को और उसके बाद गेंद को कबूल किया अपील करना चाह रहे हैं लेकिन अंपार जी ने यहाँ पे अभी तक चुप्पी साधी है नॉट आउट का इशारा दिया है क्योंकि ये गेंद जो थी वो तेजी के साथ गई थी और आवाज़ से बातें कर दी गेंद विकेट कीपर तक विकेट कीपर जो लगातार बड़ी स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं बेहतरीन दायित्व अपना निभा रहे हैं तो दूसरी तरफ गेंदबाज जो है सागर वो भी अच्छी खासी गेंदबाजी कर रहे है इस ओवर में ये तगड़ा प्रहार है क्या चौका मिल सकता है शायद ये लॉन्ग ऑफ की तरफ लेकिन खिलाड़ी मौजूद थे बढ़िया फील्डिंग वहां पे शायद वो रितेश थे और उन्होंने बढ़िया फील्डिंग की हितेश वहां पे देना थे खिलाड़ी जो आप देख रहे हैं मिड ऑफ की क्षेत्र में बारे, 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 और ये क्लीन बोल्ड चारों खाने चेत यू मिस आई विल डेफिनेटली हिट गेन अंदर दंडी बाहर इसी के साथ बल्लेबाज को जाना पड़ेगा नए बल्लेबाज थोड़ा सा मैदान पे जल्दी भेजे आपसे दरख्वाज है और विकेट की पता नहीं दूसरे ओवर में तब तक चलते हैं बाजी के लिए भी सागर और ये यहाँ पे बैटल देखने को मिलने वाली है दो सागर के बीच में एक जो है बल्लेबाजी टीम के लिए तो दूसरे गेंदबाजी टीम के लिए अभी तक गेंदबाजी बहुत ही कमाल की हुई है दूसरी तरफ नए बल्लेबाज आती बड़ा शॉट उनके बल्ले से निकला जरूर है खिलाड़ी वहां पे तैनात बढ़िया फील्डिंग की उसके बाद यहाँ पे थ्रो करेंगे और तब तक अगर देखे तो एक अच्छा ओवर जो है अपनी टीम के लिए घटित होता हुआ तो लगभग बारह गेंदों का खेल हो छ मात बारह गेंदों का खेल शेष और टोटल स्कोर मात्र आठ रनों के ऊपर तीन रन दे के एक विकेट निकाला सागर गेंदबाज ने और उसके साथ थोड़ा सा अपने डेगआउट की ओर अपने दोस्तों को इशारा दिखाते हुए कि मात्र तीन रन दे के एक सफलता भी दिलाई अपनी टीम के लिए और बहुमूल्य काम उन्होंने किया अपने टीम को अच्छा परफॉर्मेंस सागर का उसके बाद दिखेंगे और कोई नई गेंदबाज आपको और यह जो ओवर रहेगा वो रहेगा राष्ट्रोई खिलाड़ी थर्टी आठ के अंदर संकेश ने गेंदबाज बॉलिंग मार पे अच्छी गिनती लेकिन ऑप्शन के बाहर वाइट का शर्म जी का रन और बहुत देर के बाद धीरे धीरे स्कोर नौ रन के ऊपर अब पहुंच चुका है और एक वाइड और वाइड के साथ और एक रन भी जुड़ेगा टोटल स्कोर बढ़ेगा और पहुंचा अब दस रनों के ऊपर एक तरफ बल्लेबाजी करने वाली डेल्टा फोर्स फोर्सिम की टीम है तो उनके सामने जो अपनी दोपहर के सत्र में बेहतरीन जीत प्राप्त की थी और एक कुंभर जो वो आपको देखने को मिलेगी फील्डिंग करते हुए और ये भी अच्छी गेंद थी ऐसी गेंदबाजी करेंगे तो बल्लेबाज को रन बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है वही आपको देखने को मिलता हुआ डेल्टा फोर्स टीम की अगर आप समर्थक हो तो चाहेंगे जरूर रन बनाए बल्लेबाज लेकिन मौका दिया नहीं है विकेटकीपर मौजूद है रनआउट का खतरा लेकिन किस एंड पे डालते यहाँ पे थोड़ी सी देरी कर दी लेकिन देखना पड़ेगा यहाँ पे अंपायर का इशारा आता हुआ रन एक शायद क्या मिलेगा और उसके साथ रनों में क्या इजाफा रहेगा दस रन टीम का स्कोर आपको देखने को मिलेगा इस बार क्लीन बोल्ट चारों निश्चित बल्लेबाज और उसके चलते और एक विकेट की पतन तब तक चलते हैं डीजे की और नए बल्लेबाज थोड़ा सा जल्द भेजिए मैदान पे जो मैदान के भीतर जाते हुए देखना पड़ेगा किस तरह के बल्लेबाजी करेंगे सईराज ने बल्लेबाज ग्यारह रन अभी तक टीम का स्कोर है और एक बढ़िया गेंद अच्छी गेंद टिप्पा पड़ने के बाद विकेट कीपर के दस्तानों में स्थिरता पूर्वक रुकी है एक बार बढ़िया स्ट्रोक के अलावा में गेने कैच का मौका हो सकता है हाई इन द स्का और रनिंग कैच हमने देखा बहुत ही बढ़िया अंदाज से कैच को पकड़ा विकेट की पतन नए बल्लेबाज थोड़ा जल्दी से मैदान पे भेजे आपसे दरुखवाज तो इसके साथ बेहतरीन गेंदबाजी इस लगभग तीसरे ओवर में भी हमने देखी अभी दे तो दे दे तो। तक दो सफलताएं मिल चुकी है तो संकेश गेंदबाज को और उसके साथ पांच गेंदें समाप्त आखिरी गेंद रहेगी और इसके बाद की और छह गेंदें टोटल सात गेंदों का खेल बचा बढ़िया शॉट गेंद को थोड़ा सा टहलाने की कोशिश थी लेकिन खिलाड़ी तब तक आए बढ़िया फील्डिंग की उसके बाद थ्रो किया तब तक दो बल्लेबाजों ने दो रन पूरे किया बढ़िया अंदाज से और ये जो ओवर है इसको समाप्त होते हुए आपने देखा तब लगभग तीन ओवर का खेल समाप्त तेरह रन टोटल स्कोर छः गेंदों का खेल यहाँ से बचता है इस ओवर में मात्र पांच रन दिए अच्छी गेंदबाजी दो सफलता जो मिली पहले ओवर में पांच रन दूसरे ओवर में तीन रन तीसरे ओवर में फिर से पांच रन बढ़िया बॉलिंग यूनिट आपने देखा इस ओवर में और उसके बाद अंतिम ओवर की हो चुकी है शुरुआत शतक तो या पहला इनिंग मदिल चांगला झेंडू मोठा पटका टोलवण्याचा प्रयत्न पॉईंटच्या दिशेनं चेत्रक्षा खूप सुंदर प्रकारे पुन्हा एकदा झेल टिपतोय रनिंग कॅच आपण पाहिली आणि त्याचा रूपांतरात एक नवीन फलंदाज मैदानात प्रवेश करताना पाहायला मिळेल धावसंख्या आतापर्यंत वर थोडीशी थांबलेली आपण पाहतो अडथळा हा फलंदाजांसाठी असेल तर दुसरीकडे मात्र थोडासा आनंदाचा क्षण आपल्याला पाहायला मिळेल कोणता संघ या सामन्यात विजयी होतोय कोणता संघ या सामन्यातून पुढे जातोय आणि त्याच सोबत जॉगिंग सोबत खेळतोय ते देखील पाहणं उत्सुकतेच गेल्या सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅच चा मानकरी ठरणारा खेळाडू म्हणजे केतन आपल्याला पाहायला मिळतोय सुपर ओव्हर जेने टाकली होती तो खेळाडू फलंदाजीसाठी येतोय आणि खूप सुंदर पद्धतीनं बॅट आणि बॉलचा संपर्क करतोय एकदा मिळालाय आणि एका हवेवर केतनला यावेळी समाधान मानावं लागेल चेतन आपल्याला पाहायला मिळतोय नॉन एंडवर सिंगल घेऊन धावसंख्येत बदल करतोय तर दुसरीकडे आता मात्र स्ट्राईकर फलंदाज अमृतच्या रूपात यावेळी देखील मोठा फटका टोलवण्याच्या प्रयत्नात फलंदाज अमृत माघारी परतना दिसेल क्लीन बोल्ड दांडी गोल आणि अशा रीतीनं चांगली गोलंदाजी या शेवटच्या षटकात गोलंदाज करतोय पहिल्या सामन्यात खेळताना अगदी ए आर क्रिकेटर अंजुना विरुद्ध ज्या खेळाडूला मॅन ऑफ द मॅचने संबोधित केलं गेलं तो तुषार बॉलिंग मार्कवर आपल्याला दिसतोय तर बरेचसे असे मॅच विनर खेळाडू आपल्याला पाहायला मिळतात त्यामधील एक म्हणजे तुषार जो बॉलिंग मार्कवर दिसतोय अपेक्षा असेल अशाच प्रकारची गोलंदाजी करायची आहे या सामन्यात देखील चांगला चेंडू टप्पा पडल्यानंतर अगदी अलगतरित्या विकेट किपर कडे जातोय आणि निर्धाव चेंडू गणला जातोय शेवटचं षटक आतापर्यंत दोन विकेट आपल्या नावी करतोय गोलंदाज या षटकातील हा महत्वाचा चेंडू जो होतोय समाप्त आणि अशा रीतीनं पहिल्या इनिंगचा खेळ समाप्त होतोय धावसंख्या पोचते ती फक्त पंधरा आणि जिंकण्यासाठी चार षटक आणि सोळा धावेची आवश्यकता क्षेत्रक्षण आपण सजून घ्या आणि फलंदाज नक्कीच मैदानात प्रवेश करताना पाहायला मिळतील पुन एकदा स्वागत होळू या मैदानात महत्वाच्या सामन्याकडे जो संघ जिंकतलो अगदी संधी के जॉगिंग सोबत खेळण्याची आणि त्या संधीसाठी हे दोन्ही संघ सज्ज एकीकडे एक तगड्या फाईट देण्याच्या इराद्यान मॅकलेग्रेन स्पोर्ट क्लब कुंभर जुवा संघ जिंकण्यासाठी तब्बल सोळा धाव्याची आवश्यकता पहिलो चेंडू अगदी घुटना टेक तमाशा देख अगदी त्या पद्धतीत खेळण्याचा तो प्रयत्न एक रन झालं पूर्ण आणि दुसऱ्या रनसासाठी सुद्धा तुषारने पावला वळवली बघता बघता अगदी तिसरो रन सुद्धा झालो बुरड तीन रन्सांनी मिळालेली वाढलेली ही धावसंख्या धावसंख्येची सुरुवात तीन रन बोर्डवर सोळा धावेची आवश्यकता जर सामनो डेल्टा फोर संघ तुमका जिंकायचो असलो तर वापसी अपेक्षित गोलंदाजीत चांगली चुणूक करणं अपेक्षित पण दुसऱ्या बाजून सलामीची जोडी मैदानात हितेशच्या रूपात फलंदाज स्ट्रायकर एंडवर खूप सुंदर खूप फटको पटको मधून आणि यावेळी झेंडू फरार टंगा पलटी घोडे फरार रस्टोणी चषक षटकार बॅट मधून हितेश धावसंख्या नऊ वर नऊ धाव संख्या षटकाराची खूण पंचांकडून सोहळ्याचा पाठलाग सात धावेची गरज अजून एक मोठा पटको हवे चेंडू यावेळी झेलची सुंदरित्या झेल झेल टिपल्यानंतर गडी गारत पहिलो धक्को संगक यावेळी हितेशच्या रूपात परंतु हितेशने आपला कार्य पूर्ण केलं एक षटकार खेचत धाव संख्येत बदल आणि जिंकण्यासाठी आता मात्र फक्त सात धावीची आवश्यकता नवीन बॅटर या संघाचो बाहुबली रजत मैदानात दाखल होताना सात रन्साची असलेली फक्त गरज पहिला वहिला षटक आणि पहिल्या षटकात आतापर्यंत एक गडी गारत परंतु सगळ्यांना वाटलं होतं की प्रथम फलंदाजी उतरल्यानंतर टॉस जिंकन घेतलेला निर्णय अगदी यशस्वी करण्याच्या इराद्यात परंतु तोच निर्णय थोडस अंगलटी इलो शेवटच्या क्षणी आणि त्यामुळे धावसंख्या फक्त जेमतेम पंधरा स्कोरबोर्डवर लागली सोळा रन्सचा पाठलाग सोपं पाठलाग करण्याच्या इराद्यात रजतच्या बॅटमधून सुद्धा एक मोठा पटको आणि सात धाव्याची गरज असताना खेळलेलो चौकार आणि चौकारांशी धाव संख्येत झालेली वाढ तीन धाव्याची फक्त गरज तेरा रन स्कोर वर तीन धावेची फक्त गरज औपचारिकता फॉर्मॅलिटी ती फक्त बाकी आणि त्यानंतर एस के जॉगिंग सोबत खेळण्याची सुद्धा संधी फुलटॉ चेंडू फुलटॉ चेंडू वर मोठो पटको खेळण्याचा प्रयत्न अगदी झेलची रूपात फलंदाज बात की बघूया पंचांचा ईश्वर गडी गारत त्यामुळे नवीन फलंदाजला मैदानात प्रवेश करणं अपेक्षित आणि पुढील सामन्याचा टॉस देखील आपण थोड्याच वेळात पाहूया पण तो संघ या सामन्यात विजयी आणि पुढील सामन्यासाठी नाणेफिकीसाठी विनंती देखील जॉगिंग संघ आपण या बॉलिंग सागर तर नवीन बॅटर सुद्धा सागर ज्या सागरला आपण गोलंदाजी करताना बघितला तो सागर यावेळी आता फलंदाजी करण्यासाठी सज्ज दोन्ही सागर मैदानात रिवर्स स्वीप खूप सुंदर फटको बॅटमधून जिंकण्यासाठी आवश्यकता होती तीन दावेची आणि यावेळी महत्वाच्या क्षणी पंचांचो इशारो चौकार आणि विजय टॉस टॉससाठी विनंती असेल लगेचच या एस के जॉगिंग संघाचे कर्णधार आणि त्याचसोबत या सामन्यात एक सुंदर विजय आपल्या नावी करतोय तो कुंभारजुआ संघ त्यांना विनंती आहे की टॉससाठी आपण या एस के जॉगिंग संघाचे कर्णधार आपण टॉससाठी या विनंती आहे लगेच आपले कर्णधार पाठवायचे आहेत